हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, आज हम बहुत अच्छी गपशप मारने वाले हैं सिनेमा लवर्स के लिए जिनको मोशन पिक्चर से प्यार है। तो आज हम रिव्यूज को छोड़ के कुछ ऐसे ट्रिविया को सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे 10 मूवीज में सेलिब्रेट करेंगे जिसके अंदर हमने द फर्स्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, वो पहली मूवी कौन सी थी जिसके अंदर डायलॉग्स थे, और वो पहली मूवी कौन सी थी जिसको इंटरनेशनल एक्लेम्ड अवार्ड मिले थे, वो पहली मूवी कौन सी थी जिसके अंदर पहली बार हमने कलर्ड सीन्स देखे थे, वो मूवी कौन सी थी जिसके अंदर हमने पहली बार ऑन स्क्रीन किस देखी थी। मेरे ख्याल से आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी। तो मेरे पास कुछ 10 की लिस्ट है मेरे आईपैड के ऊपर, मैं आपको रीड करके बताऊंगा एक एक करके ऐसे 10 ट्रिविया जो काफ़ी मज़ेदार होंगे दोस्तों, मेरे समझ के हिसाब से मोशन पिक्चर लवर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो पहले नंबर पर दोस्तों है राजा हरिश्चंद्र। ये 1913 में आई थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी और काफी ज्यादा डार्क कलर में थे क्योंकि लाइट टोन्स तब थे नहीं, साइलेंट मूवी थी। मेन जो थे दोस्तों इसके अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, वही वुमेन बन के आए हुए थे क्योंकि उस तरीके उस जमाने का जो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी तो वो अलाउ नहीं करते थे कि वुमेन जाएंगी और वो एक्ट्रेस बनेंगी और वो एक्टिंग करेगी। तो उसके लिए हम वो क्या करते थे कि वो मेन को ही एज ड्रेस कर देते थे वुमेन। तो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड वहां दिखानी है या फिर कोई लव इंटरेस्ट दिखाना है तो एक्चुअली वो आदमी है शेव शूव करके, थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके, फाउंडेशन लगा के, पूरा तामझाम करके लड़की बना हुआ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। दूसरे नंबर का जो ट्रिविया है दोस्तों वो है आलम आरा। 1931 के अंदर ही ये भी मूवी आई थी। ये दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है और इसने पहला आगाज किया था जिसके अंदर हमने कुछ कुछ टॉकिंग देखा था, कुछ कुछ डायलॉग थे, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, ज़्यादा क्लियर वॉइसेस भी नहीं थी। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाओगे तो आपको शायद थोड़ी पुरानी ग्लिम्सेस इसकी मिल जाएंगी। तीसरे नंबर पे दोस्तों है कृष्ण कन्हैया। 1937 में दोस्तों ये आई, फर्स्ट कलर्ड फिल्म ऑफ इंडिया। मेरे को ये लगा था पर्सनली कि जब मुगले आजम आई थी और पहला एक गाना जब कलर्ड तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ था, वो भी बाहर के देश में किसी में जगह पे भेजा था, तब हुआ था। बट ये सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि 1937 में ही हमारी फर्स्ट कलर्ड फिल्म आ चुकी हुई थी और मेरे समझ के हिसाब से उस जमाने के हिसाब से तो ये काफ़ी महंगी बनी होगी। चौथे नंबर पे दोस्तों है धूप छाँव, 1935 की फिल्म। यहाँ पर दोस्तों पहली बार जो है प्लेबैक सिंगिंग हुई है। अब देखिए सिंगिंग और प्लेबैक सिंगिंग में क्या फ़र्क होता है, इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप किसी सोनू निगम से फॉर एग्जांपल गाना गवा रहे हैं और एक एक्टर है जो कि लिपसिंग कर रहा है, इसको कंबाइन करके एक गाने की फॉर्म देना, उसको बोलते हैं प्लेबैक सिंगिंग, जिसके अंदर जो एक्टर है और जो सिंगर है वो डिफरेंट है। इससे पहले तक दोस्तों क्या होता था कि सिर्फ जो एक्टर होता था वही खुद ही गाना गा देता था, जैसे अशोक कुमार, ये लोग अपने गाने खुद ही गा देते थे वो नाक वाली आवाज में, इफ यू रिमेम्बर। तो दोस्तों पांचवें नंबर पे है 1942 अ लव स्टोरी। इससे शायद काफी लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर अनिल कपूर थे और ये 1992 के अंदर रिलीज हुई थी। इसके अंदर फर्स्ट टाइम हमें डॉल्बी साउंड में गाने सुनने को मिले थे, तभी वो सिर्फ लिरिक्स इतने बढ़िया नहीं थे, जो उसका म्यूजिक था घूमता हुआ वो हमारे कानों में सुना तो सीधा दिल के अंदर भी घर कर गया। छठे नंबर का दोस्तों जो ट्रिविया है वो है संगम, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। इसके अंदर थे राज कपूर और थे राजेंद्र कुमार, और ये जो प्रोडक्शन हाउस था वो भी राज कपूर का ही था। और इसका ट्रिविया दोस्तों ये है कि ये पहली फिल्म थी जो कि फिरंगी देश में जाके शूट हुई थी, इससे पहले कोई भी इंडियन फिल्म जो थी वो बाहर जाके शूट नहीं हुई थी। सातवें नंबर पे मारथंडा वर्मा, 1933 में दोस्तों ये मूवी आई थी, मलयालम मूवी थी। अब इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम बोलते हैं कि यार ऑन स्क्रीन किस तो आजकल बहुत नॉर्मल हो गए, 1933 में फर्स्ट ऑन स्क्रीन किस जो दिखाई थी वो 1933 की मूवी मारथंडा वर्मा में दिखाई गई थी, और वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी ऑब्वियसली उस टाइम भी क्रिएट हुई थी, काफ़ी मॉडर्न तरीके की आउटलुकिंग मूवी वो मानी गई थी। आठवें नंबर का ये मेरा भी फेवरेट है क्योंकि जब मैं छोटा था तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पिच मारी गई थी कि मूवी बहुत ही बढ़िया है, और ये है दोस्तों छोटा चेतन। ये पहली इंडिया की 3D मूवी थी और 1998 के अंदर थी। इसके अंदर उर्मिला मटोटकर भी थी और काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप बनी थी। नाइन्थ नंबर पर दोस्तों है सीता, जो कि 1934 में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी और इसको डायरेक्ट किया था दोस्तों दिबाकी बोस ने। ये पहली ऐसी मूवी है जो कि इंटरनेशनल अवार्ड की हकदार बनी वेनिस के अंदर, तो ये कमाल का हमारे लिए फीस था, यहां से हमारा आगाज हुआ था इंटरनेशनल फुटहोल्ड के अंदर। 10वें नंबर का जो ट्रिविया है वो आप सुन के हैरान हो जाओगे, वो है दोस्तों सुनील दत्त से रिलेटेड। एक मूवी आई थी दोस्तों यादें 1964 के अंदर। 1964 में दोस्तों ये पहली ऐसी फिल्म है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एक्टर था,
और कोई एक्टर ही नहीं था। बताओ कि आप उस जमाने में 3-3 घंटे की मूवी बना करते थे, आप 3.5-4 घंटे के अंदर आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, सिर्फ एक इंसान देख रहे हो, तो वो एक्टर कितना बेहतरीन होगा, उसकी स्क्रिप्ट कितनी बेहतरीन होगी, कितना बढ़िया डीप कैरेक्टराइजेशन होगा कि सिर्फ एक ही इंसान सारी नरेशन करता जा रहा है। तो इसको दोस्तों आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला गया है, जो कि हमारे लिए बड़ी प्राउड वाली फीलिंग है। तो दोस्तों आज का जो ट्रिविया है, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, 10 ऐसी अननोन बातें जो कि हमारे फिल्मों से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर खो गई लेकिन फिर से वापस आ गई हैं, अब आपको पता चल गई हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपको इनमें से 10 में से कुछ अच्छी लगी होंगी वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और शेक चिल्ली मार लेना अगर मन करे तो। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड सपोर्ट मूवी शूवी एंड मे बी बिकम अ मूवी शूवी।